जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है। कारण है कि काशी में जितने मंदिर हैं लगभग उतने ही मंदिर जयपुर में भी हैं। पुराने शहर में तो हर तीसरे घर में चौक है और इसमें ठाकुर जी का मंदिर है, लेकिन छोटी काशी का भी यह स्वरूप बिगड़ रहा है। डिस्को, पब, शराब, हुक्के शाम से लेकर रात तक सब चल रहे हैं। हालात ये है कि पुलिस कमिश्नर तक के आदेश नहीं माने जा रही है। जयपुर के एक 5 सितारा होटल में देर रात 2 बजे पुलिस ने रेड की और सुबह 4:30 बजे तक वहां के करीब 40 से ज्यादा लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया गया। वे मदहोश होकर डिस्को पर थिरके जा रहे थे। उनमें से अधिकतरों को बसों में भरकर पहले थाने लाया गया और उसके बाद उनके खिलाफ नियम के अनुसार एक्शन लिया गया। यह जयपुर की सबसे पहली बड़ी रेड है। जिस थाने में होटल आता है उस थाने को जानकारी नहीं दी गई। 12 थानों की पुलिस ने की इस रेड को। दरअसल जयपुर के आदर्श नगर थाना इलाके में स्थित एक 5 सितारा होटल पर यह एक्शन लिया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के 2 अफसर प्रदीप यादव और रणवीर मीना ने इसे लीड किया। जयपुर लाइन के पुलिस लाइन से जाप्ता बुलाया गया और DST टीमें भी साथ रही। आदर्श नगर थाने को छोड़ आसपास के करीब 12 थानों की पुलिस, जीपे और स्टाफ को भी बुलाया गया। होटल को घेर कर रेड की गई, हर कमरे की तलाशी ली गई और छत तक जो भी नियमों के खिलाफ मिला उस पर एक्शन लिया गया। हुक्का पीती, जाम छलकाती, मदहोश मिली लड़कियां। बताया जा रहा है कि करीब 15 लड़कियां मिली जो हुक्का पीती और जाम छलकाती दिखाई दी। उन पर एक्शन लिया गया। आदर्श नगर थाने में लाकर उनके खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत एक्शन लिया गया और बाद में जुर्माना कर उन्हें छोड़ दिया गया। उसके अलावा करीब 25 से ज्यादा युवकों को भी पकड़ा गया। ये भी डिस्को में नाच रहे थे और जाम छलका रहे थे। उनके खिलाफ शांति भंग समेत अन्य धाराओं में एक्शन लिया गया है। यह रेड सुबह 4:30 बजे तक चलने के बाद इसकी जानकारी आदर्श नगर थाने में दी गई। होटल प्रबंधन के खिलाफ भी केस दर्ज करने की बात सामने आ रही है। 11 बजे तक पब, डिस्को, बार सब बंद हो जाने चाहिए, कमिश्नर ने इसके आदेश दिए थे। लेकिन दरअसल कुछ समय पहले जयपुर पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए थे कि रात 8 बजे बाद ठेकों पर शराब नहीं बिकनी चाहिए। साथ ही रात 11 बजे के बाद होटलों में पब, डिस्को और बार बंद हो जाना चाहिए। लेकिन कई जगहों से सूचना मिल रही थी कि देर रात तक ये सब जारी रहता है। ऐसे में अब एक्शन शुरू हो गए हैं। होटल के साथ ही होटल में बने एक क्लब पर भी एक्शन लिया गया है।